नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे थे जिनके सवाल थे कि आप जब डॉक्टर बिश्वरूप राय चौधरी जी से मिलें तो उनसे पूछें कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो इतने फिट कैसे दिखते हैं। ऐसे तमाम सवाल आज हम लेकर आए डॉक्टर बिश्वरूप राय चौधरी जी के पास। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू। और इसी के साथ जो पहला सवाल दर्शकों की तरफ से पूछा गया है वो यही है कि आप इतने फिट कैसे दिखते हैं। देखिए, आजकल नॉर्मल दिखना भी फिट होता है क्योंकि लोग कुछ ज़्यादा ही अनफिट है। अगर आप देखें हमारे आसपास, खासतौर पे अगर आप हमारे देश की बात करें, भारत में कोई एक पतला आदमी भी होगा तो उसकी तोन निकली होगी और गंजा होगा, बाल सफ़ेद होंगे, मोटा चश्मा पहना होगा, ज़्यादा उम्र नहीं भी होगी। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ जैसे होना चाहिए किसी को। कोई बीमारी ना होना भी इंसान सोचता है कि 100% फिट है। किसी का चश्मा नहीं लगा, बाल काले हैं तो लगता है बहुत ज़्यादा फिट है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के उसमें। लेकिन एट माई एज, मेरी एज 48 के आसपास है, जितना फिट हो सकता हूँ और या होना चाहिए वो अचीव नहीं किया। लेकिन हाँ, कोई तकलीफ भी नहीं किसी भी तरह से। और उसका कारण ये है कि जो भी मैं आप सबको बताता हूँ वो लगभग उसी तरह के डाइट में मैं खुद भी रहने की कोशिश करता हूँ या रहता ही हूँ। मान लीजिए 99% तो उसी डाइट में रहता हूँ। और जितने सारे इंटरवेंशन मैंने आज तक बताए, पहले मैंने खुद ही पे टेस्ट किया और वो काम आए तो हमने सोचा आप तक पहुँचा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों का ही मिश्रण है। वॉट एवर आई टेल यू आई डू इट। जो DIP डाइट की बात करते हैं हम, 3-step फ्लू डाइट की बात करते हैं हम, तो वो अपनाता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं, क्या आप नहीं कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये इंश्योर कर पाएं कि किसी भी तरह का कोई दवाई आप नहीं लेते हैं, केमिकल आप मुँह के अंदर नहीं डालते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ सकते। किसी भी तरह का ड्रग, किसी भी तरह का केमिकल, किसी तरह का रिफाइंड चीज़ें, किसी तरह का पैक चीज़ें आप बॉडी के अंदर नहीं डालेंगे तो बहुत भयंकर तरीके से बीमार नहीं पड़ सकते। तो क्या हम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्या हम नहीं करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट आई डोंट डू, राइट, जो मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा, और मैं पिछले 15 साल हो गए जब मैंने शायद कोई आखिरी गोली कभी ली थी, 15 ईयर्स, राइट। तो मैंने तो देखा है कि दवाई अगर आप नहीं लेंगे तो ये पहला कदम है कि टूवर्ड्स रिमेनिंग हेल्दियर और एटलीस्ट लुकिंग हेल्दियर। वही मेरा अगला सवाल डाइट को लेकर है सर, कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, देश विदेश घूमते हैं, तब भी क्या यही डाइट रहती है, यही शेड्यूल रहता है, सेम शेड्यूल या फिर चेंज होता है? देखिए, घर पे जो शेड्यूल रहता है मेरा वो कुछ इस तरह कि मैं जब सुबह सुबह जल्दी उठना मुझे अच्छा लगता है, 5 बजे 4 बजे, डिपेंडिंग ऑन कोई किताब लिख रहे हैं तो थोड़ा और जल्दी, कोई किताब लिख के ख़त्म हुआ तो थोड़ा लेट, बट 5 बजे 6 बजे भी बच जाते हैं कई बार। द फर्स्ट थिंग इज़ घर पर बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, वो खुद ही बनाना ठीक लगता है। तो फिलिप्स का जूसर है, कोल्ड प्रेस जूसर, किसी भी कंपनी का कोल्ड प्रेस जूसर लीजिए, एक लेक्सन का जूसर है जो हाथ का है, तो वो बालकनी में रख के फिर आई ट्राई टू मेक ए जूस, राइट, खुद के लिए भी, बाकी घर के मेंबर्स के लिए भी। और उसका ध्यान एक दिन पहले से मुझे रखना होता है कि कल के लिए सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं क्या, राइट। तो अकॉर्डिंगली तो वो 2 ग्लास पी लिया, यानी कि करीब 500 ml, आधा लीटर हो गया। सो तो घर पे तो यही लाइफस्टाइल होता है। और उसके बाद फिर फ्रूट्स में है जो, जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब चीज़ें, केले हैं जो आराम से खाए जाते हैं, बहुत चबाना नहीं पड़ता है, इसलिए कि आलस लगता है चबाने में, तो खा लिया अबाउट 600-700 grams एंड दैट बिकम्स द ब्रेकफास्ट। लंच तो जहाँ हमारा अभी ऑफिस में है ना, तो ऑफिस में ही लंच होता है ये, फिर प्लेट वन ज़्यादातर रहता है, प्लेट टू कभी कभी रहता है साथ में, डिनर भी प्लेट वन प्लेट टू बिफोर 7 PM आई ट्राई टू फिनिश द डिनर। उस दौरान पूरे दिन नट्स वगैरह हैं, स्प्राउट्स वगैरह हैं, ये मूंगफली वगैरह, आजकल तो सर्दी का मौसम है तो हमारे ऑफिस के बाहर आप देखेंगे तो मूंगफली गर्म मिलते हैं, और बाहर ही देखेंगे तो फ्रूट का दुकान भी बाहर ही लगा हुआ है। तो आसान है, जिन चीज़ों को मुझे चाहिए वो आसपास ही है, मतलब करीब 10 कदम दूरी है, तो बस इसके बियॉन्ड कुछ चाहिए भी नहीं। तो ये तो है जो घर पे बताया, अब आप बताइए इनमें से कौन से चीज़ें जो घर के बाहर मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊँगा। जैसे फ्रूट से यहाँ जूस नहीं बना सकते तो जूसर मैं छोटा सा लेके भी चलता हूँ, राइट, लेक्सन का जूसर है, उसका वेट करीब होगा 400 ग्राम, छोटा सा, तो उस पैक कर दिया उसको और जाके मैंने, वो ऐसे फिट हो जाता है, जब भी होटल में कहीं चेक इन करते हैं तो वहाँ पे भी आई कैन डू इट और आई डू इट, राइट। सो और फ्रूट्स कहीं मिल जाते हैं, जब यहाँ से चलो तो उतना फ्रूट लेके चलो जो
फ्लाइट में चढ़ने से पहले आप खा पाएँ और उतरो, तो जब आप जाते हैं जिस भी शहर में, रास्ते में फ्रूट की दुकान, ऐसा तो कोई शहर दिखा नहीं, चाहे भारत की बात करें या बाहर की, जहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की दुकान हो ही ना, राइट। सो हमेशा अपना चाकू और अपना पीलर साथ में लेके चलता हूँ, तो इससे बड़ा काम आसान होता है। मुझे पता है कि मैं चार दिन के लिए रुका हूँ तो करीब 300 ग्राम नट्स काफ़ी रहेंगे, राइट, थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, तो उतना लेके चला। तो जिस तरह से आप प्लानिंग करते हैं कि अगर चार दिन रुकें तो कितने कपड़े, जोड़ी कपड़े चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मोबाइल में रिचार्ज कितना होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स यू प्लान, राइट। जैसे कोई लेडीज़ हैं वो अपना पर्स में लिपस्टिक भी होना चाहिए और बाकी कंघी भी होनी चाहिए, तो वो प्लान का पार्ट है, अपने आप ही नहीं होता वहाँ पे कौन से कलर का लिपस्टिक होगा, शायद ये भी प्लान करते होंगे, राइट। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, राइट। तो जब इतने डिटेल में आप प्लान करते हैं तभी वो होता है, तभी आप उसको यूज़ करते भी होंगे। सिमिलरली ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है, कॉल इट इनर ब्यूटी, राइट, कि मुझे हर पल अच्छा फील होना चाहिए, एनर्जेटिक फील होना चाहिए। वो कैसे होगा, जाने से पहले आज पता ही है मुझे कहाँ कहाँ जाना है, तो उस दौरान कब कब भूख लगेगी मुझे आइडिया है, कितना मैं खाता हूँ वो भी आइडिया है, तो वो क्या क्या चीज़ खाना चाहिए वो भी आइडिया है, तो उनका सारा तैयारी। मान लो बहुत ज़्यादा पैकेजिंग हम लेके नहीं जा सकते, जैसे स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, कोकोनट है या खजूर है, ये सारी चीज़ें हैं जो इतना छोटा डब्बे में एक दिन का सामान आ जाएगा कि उससे पूरा पेट भर सकता है, कुछ और नहीं भी खाया तो। तो अगर लगता है कि भाई बहुत लगेज एंड बैगेज हम नहीं ले जा सकते, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो वैसा, लेकिन वो तैयारी सुबह एक बार करना पड़ेगा, और तैयारी करने से पहले एक दिन पहले सोचना पड़ेगा कल के लिए जो तैयारी के लिए सामान मेरे पास है कि नहीं है। और वो सारे सामान हम मंगा के रखते हैं, खुद ही ले लेते हैं, पता ही है, मैंने बताया कि मेरे घर के बाहर, अभी ऑफिस के बाहर ही सब कुछ है, नीचे अक्सर होता ही है, राइट। लेकिन जिन चीज़ों को हमें पसंद नहीं है, खाना नहीं चाहते, वो हमें नज़र भी नहीं आता कई बार। तो लाइफस्टाइल, चाहे घर पे हूँ, चाहे ये ऑफिस में हूँ, चाहे ट्रैवलिंग में हूँ, चाहे बाहर हूँ, आई ट्राई टू कीप द लाइफस्टाइल सेम, और उसमें कोई दिक्कत होती भी नहीं है, राइट। सो कभी कोई दिक्कत हुई भी नहीं मुझे, तो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। तो सर, आप इतनी हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, तो क्या आप कभी बीमार पड़ते हैं? अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, बीमार पड़ते हैं, बीमार में ज़्यादातर तो जैसे फ्लू है, फ्लू हो सकता है, राइट, सर्दी जुकाम ये सब हो सकता है, होता भी रहता है, राइट, गला ख़राब हो सकता है, हेडेक हो सकता है, तो बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है, जो कि साल में एक बार दो बार हो ही जाता है, सभी को होता है, हमें भी होता है। तो फिर वही करता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ 3-स्टेप फ्लू डाइट, राइट। तो कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, स्ट्रिक्टली मैं करता हूँ वही चीज़, और बस इतना ही करता हूँ मैं। और बीमार हुआ तो आई ट्राई टू रेस्ट लिटिल बिट, लेकिन क्या है कि हमारा जो प्लान है, हमारा जैसे शेड्यूल पहले से तय होता है मेरा, कि कल यहाँ लेक्चर है, कल वहाँ पे ट्रेनिंग है, उधर जाना है, ट्रैवलिंग है, सारा कुछ तय है। तो अगर बीमार पड़ गए तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपना ट्रेनिंग या कुछ, आज तक तो कभी मैंने उसको कैंसिल किया नहीं। तो मैंने ये देखा है कि बहुत बीमार पड़ने के बाद भी, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, मुझे याद है आज से 3 साल पहले टेम्परेचर मेरे 103 डिग्री चला गया था, अंदाजे से बता रहा हूँ, मैं मेजर नहीं करता, राइट। तो और एक्सट्रीम टायर्डनेस, फटीग और हेडेक एंड बॉडी एक था, एक्सट्रीम मतलब मुझे जितनी बार भी फीवर वगैरह हुआ उसमें जितना होता था उससे ज़्यादा था, राइट। एंड वो फ्लाइट से उतरते ही मेरा लेक्चर था, और लेक्चर भी फुल डे का था, 8 घंटे का, और वो भी ट्रांसलेटर के साथ, वियतनाम में की बात कर रहा हूँ, बट आई कुड डू इट। जब एक टारगेट होता है तो वो कर पाया था, राइट। सो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी शेड्यूल कोई मिस हो, मतलब ये जो लोग सुन रहे हैं कि अक्सर देखते हैं कि आज मैं छुट्टी पे हूँ क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो ये सारी एक्सक्यूजेस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट के बाद भी जो बचा कुचा एनर्जी है, जो हमें काम निभाना है, वो हम निभा ही लेते हैं, और एट द सेम टाइम बॉडी भी अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो इस तरह से आई ट्राई टू मैनेज। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप में से कोई, कई सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास कि अचानक टेम्परेचर बढ़ गया और कल उनको फ्लाइट लेनी है, बच्चे का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उनको तो एयरपोर्ट में घुसने देंगे, आजकल तो टेम्परेचर मेजर करते हैं, है ना, वीज़ा हो चुका है। तो ऐसे में एकदम से हमें अपनी एनर्जी को, फीवर को हटाना है और अपने आप को ठीक कर लेना है। तो 1 घंटे में कैसे ठीक करें? बहुत आसान तरीका है, अपने आप को 1 घंटे में अगर एनर्जाइज करना है, अपने पूरे बॉडी से वायरस को हटाना है या बीमारी को हटाना है, फीवर को हटाना है, तो आप बैठ के व्हाट वी कॉल एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, राइट, गर्म पानी के बाल्टी में पैर रख के अगर आप आधे घंटे बैठ जाएंगे, आधे घंटे बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, बॉडी एक चला जाएगा, राइट। और ज़्यादा है तो 1 घंटा बैठ जाओ, तो 1 घंटे के अंदर
राइट, इमरजेंसी में बोलता हूँ कि मुझे पता है कि आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं बोलूँ कि आज तो लेक्चर में मिस कर रहा हूँ, जैसे आप लोग आने वाले थे, राइट right? अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं ये नहीं बोल सकता मिस करने, राइट आई हैव टू डू इट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट कि उस वक्त के लिए करीब एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए मैं एनर्जेटिक हो जाऊँ, फिर रात को दोबारा भले ही टेम्परेचर आ जाए तब तो सोना ही है। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे इमरजेंसी मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, ताकि वो किसी भी बॉडी एक के लिए है या फीवर के लिए है, ताकि उस वक्त बिना दवाई के मैं मैनेज कर लूँ अपने पेन को, डिस्कम्फर्ट को, और पूरी ताकत से वो काम कर लिया, फिर चाहे रात को दोबारा आ गया लेकिन रात को सोना ही है। तो इस तरह से देर आर सर्टन टेक्निक्स जो हम सिखाते भी अपने 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 जो आप में से कई लोगों को, इसी चैनल में भी कई सारे टिप्स देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। बिल्कुल सर, तो सर की बातें सुन के ये तो साफ हो गया है कहीं ना कहीं वो पंक्तियाँ एकदम फिट बैठ रही हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सवाल मेरा अगला ये है सर कि आपकी फैमिली में जो बाकी लोग हैं वो लोग भी क्या यही डाइट फॉलो करते हैं? देखिए, चीटिंग डाइट ज़्यादा फॉलो करते हैं वो, 50-50 कह लें राइट, क्योंकि सोशल सेटिंग में, बर्थडे पार्टीज में, या वैसे भी मन कर जाता होगा उनका, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है 8 साल की, तो वो जब बीमार पड़ते हैं तब 100% फॉलो कर लेते हैं उतने टाइम के लिए जब तक बीमार हैं, और जब लगता है वेट थोड़ा घटाना है तब 100% फॉलो कर लेते हैं, और जैसे जैसे लगता है कि काफ़ी हेल्दी हैं ऐसे ही ठीक है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा उस तरफ शिफ्ट होने लगते हैं टूवर्ड्स व्हाट वी कॉल एज VIP डाइट, DIP डाइट एंड VIP डाइट, यानी कि जो कॉमन मास का जो डाइट है उस पर शिफ्ट होने लगते हैं। तो एक बैलेंस बना के रखते होंगे वो, मेरी उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उतना है नहीं इसमें, हालांकि मैं बोलता भी हूँ लेकिन इन्फ्लुएंस उतना नहीं है, तो इस तरह से करते हैं। सर जैसे आपकी फैमिली है, बेटी है, वाइफ है, और फिर भी आप मेडिकल इंडस्ट्री माफियाओं को लगातार एक्सपोज कर रहे हो, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि एक तरफ आपकी फैमिली है और एक तरफ आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हो? देखिए, ये अदर वे अराउंड है, क्योंकि मुझे डर लगता है इसीलिए हम ये कर रहे हैं राइट। जिस तरह से सोचिए कि आपको भनक हो जाए कि आपके घर में चोर है तो आपको डर लगेगा तो क्या करेंगे, बाकी को बता, आप शांत रहेंगे या चिल्लाएंगे चोर चोर चोर? बिल्कुल शोर मचाएंगे, है ना। अगर आपको पता चल गया कि चोर उधर बैठा है और मैं कभी मारा जा सकता हूँ, तो नॉर्मल टेंडेंसी आपकी ये है, जितना ज़्यादा डर लगेगा उतनी ज़ोर से चिल्लाएंगे, ताकि आपकी आवाज़ सुन के शायद आसपास के लोग जग जाएं, और वो जब जग जाएंगे तो वो तो बच ही जाएंगे चोरी होने से और आप भी बच जाएंगे। बिल्कुल ना, राइट। सो लेकिन हो सकता है कि आपको खतरे का एहसास ना हो या चोर होने का एहसास ना हो, तो आप चिल्लाएंगे नहीं, आप किसी को बताएंगे नहीं, आप शांत रहेंगे, और अगर आप शांत रहे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप मारे जाएंगे। ज़रा सोचिए, पिछले 2 साल में जब तक ये जो भी आप अस्त व्यस्त हुआ है आपने देखा ही है, पिछले 2 साल में आप देखेंगे जो लोग शांत रहे उनको नुकसान हुआ। वो देखिए, जो मजबूर याद कीजिए, 2 साल पहले जो माइग्रेशन जो हुआ, इमिग्रेंट थे जो वहाँ से यहाँ तक, मुंबई से यहाँ तक चल के आए, वो शांत लोग थे, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो वो बेघर हो गए, उनका बेरोजगार तो थे ही, ऑलमोस्ट बेघर भी हो गए, बेसहारा हो गए, सड़क पे आ गए, और वो उनकी ऐसी डेथ हुई, ऐसी दुर्दशा हुई कि उनको देखने वाले भी कोई नहीं थे, और ऐसे करोड़ों लोग थे। तो जो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो बच जाएंगे, ये डेफिनेशन में तो कहीं ये फिट नहीं बैठ रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब देखिए अभी जो किसान का था, जो भी एपिसोड देखा 1 साल में, इन्होंने आवाज़ उठाया, तो आवाज़ उठाया तो वो अपना हक मांगा, तो अब उन देखिए उनकी उनको मिला। तो अगर ये आपको लगता है कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप बच जाएंगे, लेकिन अब इतिहास उठा के देखिए, जो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं वो लोग बचते हैं, या लोग जो लोग आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग बचते हैं। तो क्योंकि डर लगता है राइट, और हमें दिखाई दे रहा है चोर उधर है, तो बिना चिल्लाए आप कैसे रह पाएंगे राइट। अगर आपकी आंखें बंद है, आपको दिख नहीं रहा खतरा यहाँ पे है, तो ये कंडीशन हो सकता है कि जब आप नहीं चिल्लाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम में से जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि खतरा बिल्कुल सामने है राइट। तो इसीलिए आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो लोग नहीं उठा रहे हैं, तो डरना नहीं, डरने का सवाल ही नहीं है, व्हाट इज़ राइट वो आपको करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू एग्जिस्ट। वैसे भी आप देखिए कि चलो मैं बोलता हूँ कि चलो आज से एक्सपोज करना, सच्चाई बताना, लोगों को जागरूक करना सब छोड़ देते हैं, उस क्योंकि उससे कुछ पैसा वैसा तो आ नहीं रहा, अपना काम करते रहते हैं ठीक है ना। तो क्या आप गारंटी करेंगे कि मेरी आयु ज़्यादा लंबी होगी, मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी,
और मैं किसी में मारा नहीं जाऊंगा, वो तो आप घर से बाहर निकलें कहीं एक्सीडेंट हो गया तब भी आपकी डेथ हो सकती है। एक कुछ भी नहीं पता किसी को, एक पल बाद क्या होने वाला है, जब कुछ पता ही नहीं है तो वही करो जो जो सत्य है, वही करो जिससे सोसाइटी का भला हो। जहाँ पे आप रहते हैं उस सोसाइटी में जब तक सबका भला ही नहीं होगा तब तक आपका भला नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हैं ये मेरा कमरा है मैं इसको अच्छा सा साफ रख सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास आसपास अगर गंदगी होगी कमरे के बाहर, आपके घर के बाहर, आपकी गली में, आपके शहर में, तो इस कमरे के साफ होने से क्या होगा? आप देखिए दिल्ली में कितने चमक दमक कमरे हैं, सबके घर हैं, मकान हैं, विलास हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं सांस तो वही वाला पोल्यूटेड लेना पड़ता है ना। जब तक आप शहर नहीं साफ करेंगे, जब तक आप देश साफ नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तब तक आपके सिर्फ अपना घर का क्लीन करने से कुछ होने नहीं वाला, अपने कपड़ों को क्लीन करने से होने नहीं वाला। एक एहसास होगा कि शायद सब कुछ हो गया ठीक, लेकिन ठीक नहीं। आज सोचिए अफगानिस्तान का हालत देखिए आज, राइट, वहाँ चाहे कोई अमीर था या गरीब था, आज सबके सब, राइट, उनको अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए द वर्स्ट थिंग या तो अपने बॉडी के पार्ट बेच के उनको अगला निवाला मिल रहा है, या अपने अपने परिवार के बच्चों को ही लोग बेच रहे हैं। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, राइट। वही लोग जो एक टाइम पे सेठ थे और उनकी एक धाक थी, तो जब तक जिस नाव में आप बैठे हैं, हमारा नाव तो ये देश है ना, उस नाव के लिए आप कुछ करेंगे नहीं, चाहे आप कितने ऊपर उस नाव के, जब नाव डूबेगा आप बच नहीं सकते डूबने के, आपको डूबना ही है। तो जब ये सोच लेंगे ना, समझ लेंगे ना, फिर आपको डर नहीं लगेगा, फिर आप वही करेंगे जो आपको करना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इतने सारे काम करते हैं तो डेली का स्ट्रेस तो होता ही है, उस स्ट्रेस को आप कैसे डील करते हैं? देखिए स्ट्रेस को डील करने का जो सबसे अच्छा तरीका है एंड दैट इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ यू मोटिवेट योरसेल्फ। आपका एम क्या है, गोल क्या है, अपने गोल को अपने दिमाग में बार बार देखना, राइट। और अपना गोल अगर दिमाग में देखेंगे आप तो कोई भी स्ट्रेस आपको स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। जिस काम में हम लगे हुए हैं इस काम में पता है कुछ तो अपोजिशन आएगी, तो उसके लिए मेंटली हम पहले से तैयार हैं। अगर वो अपोजिशन का हमें पता ही है कि ऑलरेडी आने वाला है और हम तैयार हैं, तो जब वो आएगा तो हमें ये दिखता है कि हमने कितने लोगों को भला किया। जब आप में से जब कोई लोग एक कमेंट करते हैं, आप में से कोई लोग जब मुझे कोई वीडियो भेजते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं, तो वो जब देखता हूँ कि हमारे एक्शन की वजह से आपको कुछ आराम मिला, कुछ लोग ठीक हो गए, तो दैट इज़ अ ग्रेटर प्लेजर। तो उस प्लेजर के सामने ये सारे स्ट्रेस बहुत छोटे हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, तो एक तरीका ये है कि आप अपने बारे में इस चैनल में या इस बाकी जगह पे DIP डाइट से, 3-स्टेप फ्लू डाइट से, या फिर जो पॉस्चुरल मेडिसिन से कोई अगर फ़ायदा हुआ है उस फायदे के बारे में हमें बताइए, तो दैट इज़ अ स्ट्रेस फ्री फ्रॉम मी। तो जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं इस तरह के आपके भेजे हुए टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल देखने लगता हूँ, उनके पेन कितना रिड्यूस हुआ देखने लगता हूँ, तो वो भी एक दुनिया है। तो उसके सामने लगता है कि ये छोटे बड़े स्ट्रेस तो कोई चीज़ ही नहीं है। वहीं आपके दर्शक यानी कि आम आदमी को स्ट्रेस हो तो वो क्या करे? एक गोल, एक पर्पस रखिए लाइफ में। आप दूसरों का दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए किसी न किसी रूप में, तो आपको प्लेजर रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशनल खबर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो अब भी आपके जहन में है और उसका जवाब आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नेशनल खबर को यूं ही देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।